लेकिन यहाँ पर से सरयू नदी गायब ही हो गई है, फिर नीचे से निकल रही है। तो चलो आगे चलते हैं। वो गोविंदा बता रहे हैं ना कि यहाँ आजकल रोड कटने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गया, क्योंकि ऊपर भी रोड कटिंग हो रखी है और यहाँ भी रोड कटिंग हो रखी है ना, जिसके कारण पूरा जो सरयू नदी का तट था वो टूट के अस्त व्यस्त हो चुका है। हेलो दगड़ियो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बीरू बिरथवाल देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी मैं हूं भैया क्विटी पेट्रोल पंप पे, और यहां पे भाई गोविंदा पेट्रोल भर रहे हैं अपनी बुलेट पे, और अपनी जगह मैंने यहाँ पे साइड कर दी है, और मैंने साइड यहाँ पे क्योंकि वो आपको आने वाले ब्लॉग में सब बताया जाएगा। पहले फ्यूल करवा लेते हैं फुल, उसके बाद आगे को बात करते हैं। और अभी हमें कक्कड़ सिंह बैंड पे, कक्कड़ सिंह बैंड से इधर जाने वाले, ना जाने हम किधर जाने वाले समझ नहीं आ रहा, वो आने वाले आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा, बाकी आपने इन दिस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो चलो अब मेहता जी के साथ चलते हैं, और आज का सफर होने वाला है भाई बहुत खूबसूरत सा, और ये देखिए आप बोट, और हम जाएंगे इस रूट पे। अभी हम हैं देकुना गांव में, और देखिए भाई ठीक नीचे रामगंगा बह रही है, और ठीक सामने देखो भाई काफ़ी खतरनाक लैंडस्लाइड, और बीच में देखो भाई दो लैंडस्लाइड के बीच में है गांव। कितने मकान है, एक और दो मकान यहाँ पे, भाई कैसे रहते होंगे यार। कहर उन्हें ले आती तेजी साई वहाँ गुप्ता, बाबरे तो ऊपर से आएगा ना पूरा चाप सोनी चापा है बोल यार। अभी हम पहुंच गए हैं सामा, तो सामा काफ़ी खूबसूरत सा गांव है, और ये गांव ना भाई उत्तराखंड का सबसे पहला कीवी गांव भी बन चुका है, और यहां भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कीवी की खेती की जाती है, और दूर दूर तक यहां से सप्लाई किया जाता है। तो कुछ इस तरीके का है भाई, और जगह जगह पे देखो भाई इतने सारे आपको पॉली हाउस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो अब चलते हैं सीधे आगे की ओर। गुप्ता बहुत इंतज़ार करना पड़ा था जो वीडियो के चक्कर में है, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। तो यार दोस्तों सामा से हम आगे निकल के पहुंच चुके हैं अभी कपकोट पे, और कपकोट से अब हमारा सफर होने वाला है भैया सहस्त्रधारा, बोले तो सरमूल, जहां से सरयू नदी निकलती है। तो बहुत खूबसूरत से नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हुए सरमूल की ओर निकलते हैं भाई। तो भैया अभी हमें जाना है 14 किलोमीटर और इस रूट पे। जय हो बजरंगबली। तो यार दोस्तों फाइनली हम कच्चे टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे रास्तों से निकल के हम पहुंच गए हैं भद्रतुंगा धाम पे, और यहाँ पे दाजी ने गाड़ी लगा दी है, और ये कुछ कच्ची रोड कटी हुई है, और मंदिर कहीं नीचे है, और जो सौधारा की बात कर रहे थे वो ऊपर है, और भद्रतुंगा करके भाई यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है। और चलो अब आपको मंदिर में दिखाते, इससे पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर वो दिख जाएगा एक आश्रम भद्रतुंगा पे, तो और वहाँ पर भंडारा वगैरह भी लगा है, तो सबसे पहले आपको भैया मंदिर के दर्शन करवाते हैं। दरअसल फाइनली हम पहुंच गए हैं मेले पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिल रही होंगी, और मेरे साथ है गोपाल दा, ये और ये है मेला, ज़बरदस्त भीड़, और इसके बाद थोड़ी देर पे हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो भाई, तो काफ़ी भीड़, लबालब वाली भीड़, कपड़े वपड़े सब मिलेंगे भाई यहाँ। ये देखो ये स्वादिष्ट लजीज मोमोज भी बिक रहे हैं भाई यहाँ।
तो भाई यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है यार, बहुत ज्यादा रस। Fire went out, lights went down, when you feel lost in your... तो अभी हम जा रहे हैं भैया सरयू नदी के तट पे, और वहाँ पे सबसे पहले हम हाथ मुँह वगैरह धोएंगे। और काफी ज्यादा लोग यहाँ कर्मकांड के लिए भी आए, जैसे जनेऊ हो गया, यज्ञ हो गया, और भी कुछ कार्यक्रमों के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हम भी अभी नदी तट पे हैं, जबरदस्त तरीके से भीड़ यहाँ, अभी चारों तरफ भीड़ है। यहाँ पे कुछ हवन यज्ञ जनेऊ संस्कार वगैरह हो रहे होंगे, तो वो यहाँ पे भी हो रहा है। और ठीक सामने बह रही है भैया सरयू नदी, और यहाँ से 5 किलोमीटर की ऊपर दूरी पे से निकलती है माँ सरयू, जहाँ से सरयू का उद्गम स्थल है। और देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हवन यज्ञ जनेऊ संस्कार सब संपन्न किए जा रहे हैं भाई। तो गोविंदा बता रहे हैं ना कि यहाँ आजकल रोड कटने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गया, क्योंकि ऊपर भी रोड कटिंग हो रखी है और यहाँ भी रोड कटिंग हो रखी है ना, जिसके कारण पूरा जो सरयू नदी का तट था वो टूट के अस्त व्यस्त हो चुका है। है ये तो ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ नहा रहे हैं नदी पे, लेकिन यहाँ पर से सरयू नदी गायब भी हो गई है, फिर नीचे से निकल रही है। तो चलो आगे चलते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा। तो भाई पहली बार आ रखा हूँ मैं दानपुर घाटी पे, और दानपुर घाटी के सौधारा सरमूल भद्रतुंगा। सरयू नदी में हमने हाथ मुंह धो लिए हैं, और कहते हैं कि सरयू नदी में नहाना या फिर हाथ मुंह धोना गंगा नहाने के समान होता है, और गंगा नदी के बराबर ही पवित्र मानी जाती है भैया कुमाऊं में सरयू नदी को। और यही सरयू नदी भाई लास्ट में बागनाथ मंदिर में जाके गोमती से मिलती है भाई। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। तो चलो आपको भद्रतुंग मंदिर दिखाते हैं। तो भैया भद्रतुंग धाम में भगवान भोलेनाथ की खूबसूरत सी एक मूर्ति भी बनाई गई है यहाँ पे। तो यह मंदिर में टीका लगाने के बाद अब बारी है मोमोज सेंटर में आके मोमोज खाने की। और ऐसे देखो भाई मोमोज कुछ इस तरीके के हैं यहाँ पे, और मेला काफी जबरदस्त, और जबरदस्त भीड़ पड़ी है मोमो चाउमीन की दुकान पे। देखो भाई तो भैया मेला हमने देख लिया है, मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन मंदिर भाई बहुत टूट फूट हो रखा है, दोनों साइड से रोड कटने के कारण नदी भी व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, और मंदिर भी अस्त व्यस्त, और लेकिन भीड़
और आस्था कह सकते हैं, आस्था के कारण यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और उसी आस्था के चक्कर से हम भी आए हुए थे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, हर हर महादेव। तो भैया अभी हम भद्रतुंग धाम से आ रखे हैं बागेश्वर के अंतिम गांव पे और यहाँ पे दाजी मिले। दाजी जागो बे। तो दाजी से पूछते हैं यहाँ से सौधारा कितनी दूर है। तो दाजी सौधारा कदी टाड़ यहाँ पे करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा यहाँ पे। और जो गांव नाम की भैया जूनी। अच्छा सब भैया की बागेश्वर जिला सबसे लास्ट गाँव होगा है। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा चलो बढ़िया चलो ठीक। हाँ दाजी शरीर मूल सचदार है। अच्छा शरीर मूल सचदार है यहाँ शरीर गंगा ठहरी सचदार है शरीर मूल हुआ। अच्छा लास्ट गांव झूने हुआ। अच्छा ये लास्ट गांव भाई। हाँ दानू लोग सब दानू लोग ही तो हैं। अच्छा यहाँ दानू लोग रहते हैं। हाँ पूरे दानू लोग ही तो रहते हैं। हम तो आगे तक 30-35 मासी हैं। अच्छा अच्छा ताकि दानू लोग ही हैं। चलो ठीक ठीक बताइए धन्यवाद है ओके। तो यार यहाँ से सौधारा जहाँ से सरमूल नदी निकलती है ना सरयू नदी निकलती है ठीक सामने एक झरना दिख रहा था थोड़ी देर पहले उस वाले गांव से। तो वहाँ पे सौधारा का स्थान है जहाँ से सरयू नदी निकलती है। और यहाँ से देखो भाई बहुत ही खूबसूरत सा गांव आपको दिख रहा होगा और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ रखी हैं और हाल ही में इस एरिया पर रोड आ रखी है। और कह रहे हैं कि बागेश्वर जिले का ना भाई सबसे लास्ट गाँव है लेकिन बहुत खूबसूरत है भाई। तो बागेश्वर के अंतिम गांव में मैं अभी हूँ और यहाँ पे दाजू है ना। तो दाजू की भाषा सेम नामी कॉलो की जैसी लग रही है। कहो दाजू एक बार बोला था नामी अपन वाला भाषा एक ही भाषा थी वो नजदीक नजदीक है एक से भाषा मिले हमारे नामी को लागे में। तब तो जैसे बदिया कोट खाती वासम घाटी भाषा वो पुड़कनी जगथाना और वहां तक मिले। अच्छा और खाना में की बना रहा है बैल खाना जलेबी पका रखा बस मुझे और चीज बनोना के मुझे दाल भात पयो हाक तुकी हाक रात यार ना बनाई पे हो ओ इजी टूरिस्ट होना नहीं गाड़ सा हो जा खम हो ये बोल यो खाली एक दो दिन आता सी हूं मैं। अच्छा ये होटल वाली दी हमारे खाली घूमजा छपर बना बड़ी बेरे वो साफ जाऊं। अच्छा तो मतलब तो ये गांव नाम क्या कहते हैं मैं भूल गई ग्राम सभा जूनी पर ये तो को नाम गुरदार भाई गुरदार। चलो बढ़िया बढ़िया चलो ठीक सुबह ठीक। तो बुबू जी से थोड़ी बात करने के बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की ओर। एक 2-4 परिवार और हैं शायद इधर को आगे को और यहाँ भाई अभी रोड कट ही रही है तो काफी खूबसूरत से आपको यहाँ गाँव देखने को मिलेंगे। आओ दाजी तो भैया यहाँ पर है रोड की एंडिंग। तो रोड की एंडिंग किसी किसने देखी होगी किसी ने नहीं देखा। ये देखो ये होती है रोड की एंडिंग है। यहाँ पर ऐसे टूटा फूटा रास्ता बनाते हैं फिर यहाँ पर छोड़ देते हैं ऐसे थोड़ा और परपर तक पहुँचा देते तो क्या दिक्कत थी यार। तो भैया वो रहा सौधारा। देखो भैया कितने सारे झरने निकल रहे हैं वहाँ। तो यहाँ के गाँव की महिलाएँ अपनी पारंपरिक पोशाक आंगड़ घाघर झुगुल पहने हुए जा रहे हैं। कौतिक जाना हाय अच्छा भाई फाइनली हमने भाई बागेश्वर का अंतिम गांव भी आज देख लिया है और सौधारा भी देख लिया और आपको भी दिखाया। और सौधारा कमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और भद्रतुंग का मंदिर कैसा लगा महादेव का मंदिर कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना। लेकिन क्या करें थोड़ा सा रोड जाने के कारण इधर उधर से भी नदी भी थोड़ा ख़राब हो गया है और मंदिर भी थोड़ा ख़राब हो चुका था टूट फूट हो सकती थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं ठीक है। और अब अंतिम गाँव से निकलते हैं बागेश्वर के और रास्ते भर का नज़ारा माहौल दिखाते हैं वो आपको कैसा लगेगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। इस ब्लॉग का करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे यहीं से आगे को।